बबुआ के जांच करो जे कैसे बबुआ के व्रत पैसा तो बस परिवार को खुश रखना, बहन लोग अच्छे से शादी करा देना है, माँ बाप खुश रहे, बस उसका शौक है, उसका खुद का कुछ भी सपना नहीं है सर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा में बिहार के आरा के रहने वाले एक युवक की भी मौत हो गई है। वह घर चलाने के लिए वहां नौकरी की तलाश में गया था, लेकिन परिवार को नौकरी मिलने की सूचना से पहले मौत की सूचना मिली। मृतक आरा के सिम्हा ओपी के छीने गांव के श्यामदेव सिंह के 24 वर्षीय पुत्र प्रकाश कुमार थे, जो रोजगार की तलाश के लिए नैनीताल गए थे, जहाँ हुई हिंसा में युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। इसके बाद घर में मातम पसर गया। मृतक की बहन नरगिस के द्वारा बताया गया कि 5 बहन और 2 भाई के साथ बूढ़े माता पिता की देखरेख करने वाला इकलौता भाई प्रकाश था। उसके कंधे पर ही घर की सारी जिम्मेदारी थी। बिहार में 5 साल से नौकरी की तलाश करने के बाद किसी के द्वारा बताया गया कि नैनीताल में नौकरी मिल जाएगी। ये सुनकर वो 6 फरवरी को नैनीताल गया था। नैनीताल जाने के बाद फोन पर छोटे भाई और अन्य बहनों से लगातार उसकी बात हो रही थी। 8 फरवरी की रात तकरीबन 8 बजे उसकी आखिरी बार छोटे भाई आकाश उर्फ अभिराज से बात हुई। उसके बाद से फोन लगना बंद हो गया, जिसके बाद कल यानी 10 फरवरी को दोपहर में हल्द्वानी पुलिस के द्वारा परिजनों को फोन कर जानकारी दी गई कि आपके बेटे के साथ दुर्घटना हुई है। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, आप लोग जल्द आ जाइए। इसके बाद प्रकाश के भाई बहनों दिल्ली से नैनीताल गए तो देखा कि वह सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज नैनीताल अस्पताल में मृत पड़ा है। उसके सिर के पीछे कई गोलियों के निशान हैं। हमें फोन के माध्यम से पता चला, कल फोन आया दोपहर में कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है रेलवे फाटक के पास, हम बेहोशी की हालत में वो पड़े हुए हैं, एडमिट किए हैं और आप लोग जल्दी से आ जाइए। हल्द्वानी थाना से आया था फोन, तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप कैसे हो गया, आप फोटो भेजे, तो बोले कि नहीं यहाँ पे नेट बंद है। तब जाके हम लोग पता चला कि वहाँ पे दंगा हो गया, तो वो बताए आप लोग आ जाइए। हाँ, दिल्ली में हमारे चीजा रहते हैं, तो उनको हम लोग भेजे उनके पास, तो वो गए तो देखे तो पता चला कि नहीं वो मतलब बेहोश तो नहीं, एक्सपायर कर गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके सर में गोली लगी हुई है। वहाँ काम के सिलसिले में गए थे, नौकरी के तलाश में गए थे, तो ये गए हैं 7 तारीख को, 7 तारीख को यहाँ से गए हैं। वही इकलौता थे घर को चलाने वाले। हम सरकार, केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार, बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे परिवार को सर्वाइव करने के लिए, चलाने के लिए जो भी हो उचित कदम उठाया जाए। हमारे यहाँ अभी तक प्रशासन का भी कोई नहीं आया है। प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि मतलब हमारे लिए उचित व्यवस्था की जाए। वो मेरा इकलौता भाई था जो हमारे घर को चलाने वाला था, अब हम लोग कैसे क्या करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि उसके मौत का जांच हो कि क्यों ऐसे हुआ, कैसे हुआ। सबके साथ उसका बहुत बढ़िया था, सबके साथ बहुत बढ़िया। वो बोलता था कि हम शादी नहीं करेंगे तुम लोगों के लिए, नहीं तो हम ये हो जाएंगे, फंस जाएंगे। हम लोग बार बार बोलते थे ऐसे ही कि मतलब शादी की उम्र हो गई, तो नहीं हम शादी नहीं करेंगे। वो किसी को कभी तो बोलता ही नहीं था। मेरी भाभी इतनी रो रही है फोन पे, मतलब बोलती है कि कैसा करके वो चले गए। कभी किसी से वो गलत हंस के बात करना एकदम से। आखिरी बार 8 तारीख को शाम में हुई है बात कि हम आए हैं यहाँ पे उत्तराखंड में हैं, बस यही सब नॉर्मल बातचीत होता है। नहीं वो बोले कि रखो हम बाद में बात करेंगे, बस इतना वो बोले कि हम आए मतलब यहाँ पे हैं और खुश थे। मगर उसके बाद फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है, हम बहुत जल्दी में फोन रख दिए वो कि अभी हम रखते हैं बाद में बात करेंगे। कैसे नेचर के सर, बहुत अच्छा था, अपने से ज्यादा ना परिवार के बारे में सोचता था। मेरे तो उसके मन में ये रहता था कि हम कुछ करके अपने परिवार को खुश रखेंगे, रखता भी था सर। हमेशा काम के लिए फॉर्म भरना सब चीज करता था। अभी एक झारखंड में फॉर्म भरा था जो एग्जाम कैंसिल हो गया, उसके बाद वो बहुत टूट गया था। उस डिप्रेशन में आगे सब उत्तराखंड गया था कि हम वहाँ पे जो भी लेबर वगैरह जो भी काम है करेंगे, अब परिवार को चलाएंगे, खाना पीना जो भी है चलाएंगे। उस बीच हम लोगों से दुर्घटना के बारे में पता तो बस परिवार को खुश रखना, बहन लोग अच्छे से शादी करा देना है, माँ बाप खुश रहे, बस उसका शौक है, उसका खुद का कुछ भी सपना नहीं था सर। बस शादी भी नहीं कर रहा था इसलिए कि परिवार को कौन देखेगा। वो बोल रहा था कि लड़की अगर
अच्छी नेचर के नहीं आएगी तो फिर मेरे परिवार को नहीं देखेगी तो और बेचार। इस वजह से सर वो बहुत अच्छा नेचर का था, उसका खुद का कोई शौक नहीं। शादी की भी बात बहुत अच्छा बबुआ, कभी गंदा व्यवहार के उसे कुछ ना कहले रहते पात्रन से मम्मी कुछ उठे लो पोर के तरह के परवासी करो मम्मी शाम को जब भाई जान बबुआ सरकार से क्या मांग सरकार से सर बबुआ के जांच करो कैसे बबुआ के साथ साथ के घर से निकल रहा मम्मी जाता नहीं नौकरी के तलाश में मम्मी तू घबराई हाँ मम्मी नौकरी का के ताली के परवासी है बिना के चलाई यहाँ नौकरी नहीं मिला